नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम पॉलिटिक्स बाजी में और मैं हूं पंकज पंडित। आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। लेकिन आज पॉलिटिक्स बाजी करने से पहले सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा उन सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आज जमा दो का परिणाम निकला है और जिन लोगों ने इसमें सफलता हासिल की है उन सभी को समाचार फर्स्ट की ओर से शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग असफल रह गए हैं उनके लिए एक संदेश है कि अगली बार बेहतर तैयारी के साथ उनके पास मौका है इस परिणाम में एक नए आयाम हासिल करने का। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं जो एजुकेशन बोर्ड का जो परिणाम आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसे रिकॉर्ड समय में एजुकेशन बोर्ड ने लगभग 25 दिनों में इस परिणाम को जारी कर दिया है, जो कि एफिशिएंसी बताती है हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की। लेकिन साथ ही चिंतित होने की बात यह है कि इस बार लगभग 6% जो है वो हमारा परिणाम जो है नीचे गया है। 73.76% जो है इस बार का परिणाम है, जबकि पिछली बार इससे 6% अधिक परिणाम था। इस परिणाम प्रतिशतता में गिरावट निश्चित तौर पर चिंताजनक है, जिस पर बोर्ड के अध्यक्ष ने भी चिंता जताई है, क्योंकि इसमें बहुत स्टेक होल्डर हैं, स्कूल है, पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं। हम सबको मिलकर सोचना होगा कि गुणवत्ता शिक्षा की ओर बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं हमें इस परसेंटेज पर भी नज़र रखनी होगी कि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सके। अगर हम बात करें तो हालांकि राजनीति में महिलाएं हमारे सामने ज़्यादा नहीं हैं, वर्तमान चुनाव में देख रहा हूँ तो कंगना का चेहरा सामने नज़र आ रहा है, अभी तक महिला है। लेकिन एजुकेशन बोर्ड का जो परिणाम है उसमें महिलाओं ने पूरी तरह से, बेटियों ने धावा बोल दिया है और 41 लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिसमें खुशी की बात है 31 पर हमारी बेटियों ने कब्जा किया है। सिर्फ 10 छात्रों ने जो है वो मेडिकल इस जो मेरिट सूची है हमारी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की है। निजी स्कूलों का दबदबा बरकरार है, सरकारी स्कूलों ने टक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये भी एक सोचने की बात है। तो आइए सबसे पहले जो हेमराज बैरवा जो डीसी भी हैं कांगड़ा के, साथ में चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड का कार्यभार भी देख रहे हैं, उन्होंने जो आज परिणाम जारी किया उस दौरान क्या बोला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से पहली बार रिकॉर्ड समय में प्लस टू का रिजल्ट तैयार करके आज आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो टॉप 10 मेरिट में बच्चे हैं उनमें से 41 बच्चों में से 30 हमारी बेटियां हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इस बार जो हमारे प्रमाण पत्र होंगे उनको डिजी लॉकर के माध्यम से भी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड 25 दिन में रिजल्ट तैयार हुआ है, इसके लिए बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की है वो सब बधाई के पात्र हैं। अगर डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो इस बार 85,777 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, जिनमें से 63,092 बच्चे पास हुए। पास परसेंटेज हमारा 73.76% है, 73.76% है। गवर्नमेंट स्कूल से जो हमारे मेरिट पर जो बच्चे आए हैं, 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में 8 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स हैं। पास परसेंटेज को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली पहले की तुलना में पास परसेंटेज इस बार कम है और निश्चित रूप से ये एक सोचने का विषय है कि जो पास परसेंटेज हमारा कम हुआ है, कहीं ना कहीं हम शिक्षा की जो गुणवत्ता की तरफ जहां हम फोकस करते हैं उस पर भी हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। जल्द ही जो 10th का रिजल्ट है जिसका भी सब लोगों को इंतज़ार है वो भी हम उसकी भी जल्दी घोषणा। तो ये था हमारा सबसे पहला आज की जो बड़ी खबर थी,
के चुनावों के परिणाम तो अभी आपको बहुत देर से मिलेंगे, लेकिन आप बच्चों ने जो परीक्षाएं दी थी उसके परिणाम आ गए, बेहतर परिणाम है और लड़कियां उसमें आगे बढ़ रही हैं। हमारी यही दुआ है कि इसी तरह से हमारी बेटियां जो है राजनीति में भी परचम लहराए। ये मेरा सवाल है सभी राजनीतिक दलों से, वो कांग्रेस भाजपा सभी दल के, उन्हें भी चाहिए कि महिलाओं को अधिक से अधिक आगे लाए। तो आइए अब चलते हैं अपने पॉलिटिकल चक्कर की ओर। हालांकि आज मौसम पूरी तरह से जो था वो राजनीतिक दलों के खिलाफ था, बड़ी रैलियों का माहौल बनाने के लिए, क्योंकि आज जमकर बारिश हुई है और मौसम में भी हल्की हल्की ठंड आ गई है। उसका असर हल्का सा नज़र आ रहा है कि जो चुनाव प्रचार थोड़ा सा गर्म होने लगा था उसमें भी हल्की हल्की ठंडक आ चुकी है। आज की प्रमुख खबरों में सबसे पहले आज सुबह ही विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में प्रेस वार्ता की है और खुली चुनौती दे दी है कंगना को कि आइए आप मीडिया के सामने बात करें के किसका मंडी के लिए क्या विजन है। अब देखना है, इस चुनौती को कंगना स्वीकार करती है। दूसरा, उन्होंने मंडी में रिवर फ्रंट पर्यटकों के लिए बनाने की बात भी कही है। दूसरी तरफ बात करूं जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आज सीधा हमला बोला है और कहा है कि ये सुक्खी ऐसी सरकार है जिसमें खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सुखी नहीं है। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि सरकार का नाम सुक्खी सरकार से बदल देना चाहिए। ये राजनीतिक तंज था सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जयराम ठाकुर का। साथ ही उन्होंने विक्रमादित्य पर भी सवालिया निशान उठाए हैं कि जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनके परिवार की भाषा नहीं है। और सबसे अंत में बात करना चाहूँगा कि आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। आज जो कैबिनेट मंत्री हैं नेगी, उन्होंने आज प्रेस वार्ता की है और कहा है कि चुनाव आयोग जो है, जो हमारे विशेष कार्य हैं इस सीजन में, जो विकास कार्य होने हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग लंबित कर रहा है, उन्हें लटकाया जा रहा है, जिसका प्रदेश का अधिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 34 मामले हमने भेजे थे, उसमें 27 मामले पास हुए हैं। तो आइए अब विस्तृत तौर पे चर्चा करते हैं कि आज प्रदेश में चुनाव में क्या क्या रंग थे। सबसे पहले मंडी में आज विक्रमादित्य सिंह जी थे। उन्होंने जो पंचवत्र मंदिर, आपको याद होगा कि मंडी में जब भयंकर बाढ़ आई थी, जब ब्यास का पानी जो है बहुत ऊपर था, तो पंचवत्र मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक ये पौराणिक मंदिर है और एक हेरिटेज साइट भी है ये। तो यहाँ का उन्होंने दौरा किया और साथ ही उन्होंने अपना पहला जो विज़न है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आज दोहराया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जो है पंचवत्र मंदिर के पास जो है हम लोग यहाँ का तटीकरण करके एक खूबसूरत पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल बनाएंगे। आज हम मंडी के ऐतिहासिक पंचवत्र मंदिर में आए हैं, जिसका आपदा के दौरान आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ था। मैं खुद यहाँ पर आया था और इस पूरे इलाके में पानी भर गया था, मंदिर के अंदर पानी भर गया था। इसका रेस्टोरेशन सरकार द्वारा किया गया है और आज इस प्राचीन मंदिर को वापस उसी शैली में वापस रिस्टोर करने का कार्य हमने किया है। इसके साथ हमारा जो यहाँ पे ये ब्रिज है, इसको भी हमने रिस्टोर करवाया है और नया ब्रिज जो है मंडी शहर को जोड़ने के लिए बनाया है। वैसे ही हमारा जो ब्यास नदी का यहाँ से चैनलाइज करने का और एक रिवर फ्रंट बनाने का एक प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में एक ये एरिया बहुत इसको हम ब्यूटीफाई कर सके, इसका सौंदर्यकरण किया जा सके और साथ ही साथ जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको एक रिवर फ्रंट की सुविधा यहाँ पर मिले। तो ये मेरा प्रयास रहेगा, जब हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद हम जो ये ब्यास का रिवर फ्रंट है मंडी शहर का, बड़े ऐतिहासिक पंचवक्तर मंदिर के साथ, इसको जो है डेवलप किया जाएगा और एक बहुत अच्छा टूरिस्ट हब जो है ये शहरवासियों के लिए भी और बाहर से भी जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए यहाँ पर ये बनाया जाएगा। ये मंडी के लिए हमारी नंबर वन प्राथमिकता है, जो स्मार्ट सिटी से हमने मंडी को जोड़ना है। तो आज उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता जो है वो गिना दी है। साथ ही उनके निशाने पे कौन था जब प्रेस वार्ता थी, तो निश्चित तौर पे प्रेस वार्ता पे उन्होंने कंगना पर निशाना साधा है। उनकी शिक्षा पर भी उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि कंगना को चाहिए, अगर उनकी इच्छा है तो आइए मीडिया में, हम लोग शेरी मंच पे मिल लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, अपना अपना विजन बता देते हैं कि कौन मंडी के लिए क्या करना चाहता है। सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो,
इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमने हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछें और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। तो ये था आज विक्रमादित्य सिंह की प्रेस वार्ता और उसके बाद वो अपने कार्यक्रमों में गए। हालांकि मौसम खराब था, वहीं कंगना भी चुनाव प्रचार में डटी है। लेकिन अब आगे बात करते हैं जयराम ठाकुर की। जयराम ठाकुर ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कोई भी सुखी नहीं है, ये जो कैबिनेट में लोग बैठे हैं ये भी सुखी नहीं है, और हालात ऐसे थे कि कुछ दुखी होकर के कुछ विधायक तो पार्टी ही छोड़ गए। यहाँ तक उन्होंने कहा मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो है वो वर्तमान हालात से सुखी नहीं है, तो इस सरकार का नाम सुखी सरकार से बदल देना चाहिए। आपको पता है जयराम बहुत ज़बरदस्त तरीके से तंज कसते हैं, उनकी भाषा शैली में ज़बरदस्त पकड़ है। कहने को तो सुख की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहते हैं लेकिन सुख की अनुभूति किसी को है? अपने तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट के दर्जे के साथ बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी नहीं है। अभी होती तो ये हालात नहीं होते, विधायक विधायकी छोड़ करके चले गए। और आज के हालात में तो मुझे लगता है कि सुक्खू जी को भी सुख की अनुभूति नहीं है, वो भी दुखी है। मैंने कहा कि ये सुख की सरकार को बोलना बंद कर दे भाई। साथ ही जयराम ठाकुर ने एक और निशाना जो है विक्रमादित्य पर साधा है, उनकी जुबान, उनकी जो भाषा शैली है उस पर कहा कि उनके परिवार में उनके माता पिता की ऐसी शैली नहीं थी। आइए क्या नसीहत दे गए जयराम विक्रमादित्य सिंह को, इसको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। विक्रमादित्य कहते हैं कि जयराम बोलता कि मंडी का रक्षक है, वो रक्षक नहीं और मंडी का भक्षक है। आप कल्पना करो, शब्दों का चयन देखिए, ये शब्द ना उनके पिताजी ने बोले कभी, ना उनकी माताजी ने बोला। मुझे दुख हो रहा है कि कहां से सीखे ये शब्द, ये उनके घर के शब्द तो लगते नहीं है, ये पढ़ाई कहीं बाहर हुई लगती है। ये थी चुनावी तूतू मैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। उसके बाद चलते हैं कि आज एक और आरोप कांग्रेस ने जो है चुनाव आयोग पर लगाया है। आज जगत सिंह ने की जो कैबिनेट मंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में, आज उन्होंने बाकायदा शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग जो है, जो हमने जो पूर्व में जो कार्य तय थे, पूर्व में जिनको मंजूरी मिल चुकी है उन कार्यों को करने की हमने चुनाव आयोग को से इजाज़त मांगी थी, लेकिन अभी तक वो परमिशन हमें नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा 34 के करीब हमने कार्य भेजे थे, उनमें 27 अभी विलंबित है। विशेषकर उन्होंने कहा कि ये जो सीज़न है, ये हमारे ऊपरी क्षेत्र जो बर्फ वाले क्षेत्र है उनमें इसी दौरान विकास कार्य होते हैं, ऊँचे निर्माण का कार्य हो, सड़क का कार्य हो, तो अगर वो नहीं होते हैं तो इसका विकास पर असर पड़ेगा और लोगों के जनजीवन भी प्रभावित होगा। वहीं कुछ नियुक्तियों की बात उन्होंने कही है, तो आइए जगत सिंह नेगी ने किस तरह से निशाना साधा है चुनाव आयोग पर। आजकल जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिस कारण बहुत सारे कार्य जो है वो जो है, चाहे डेवलपमेंटल है, चाहे विभिन्न विभागों के कंस्ट्रक्शंस के काम है या अन्य जो है नियुक्तियां करनी है, ये सारे के सारे होल्ड पर है। परंतु बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले, जो जिनके जो है प्रोसेस चला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि इस मौसम में रूटीन में किए जाते हैं, जिन पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी उसमें जो है लगने का सवाल नहीं पैदा होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य को, कंस्ट्रक्शन के वर्क्स को, एक लिमिटेड हमारे पास सीजन है, और इस सीजन का जो मौसम के कारण लिमिट है, तो कार्य जो है अगर अभी शुरू नहीं किए जाएंगे तो बाद में ये कार्य नहीं किए जा सकते। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जिनमें प्रोसेस चला था नियुक्तियों का, खासकर स्कूलों को लीजिए आप,
जिसमें पूरे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ उनको जो है नियुक्तियां देनी थी, वो सारे के सारे होल्ड पर है। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की स्क्रीनिंग कमेटी है, इसने अभी तक कोई तकरीबन 34 के करीब मदों को स्क्रीनिंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि उसमें परमिशन मांगा है। इसमें जो 34 में से अभी 27 मामले वहाँ पर लंबित पड़े हैं। तो हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हिमाचल के साथ एक किस्म से न्याय नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ हमारे साथ जो है सोताला व्यवहार जो है इलेक्शन कमीशन का हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहा है। और इस जो लंबा एक तो हमारा चुनाव जो है आखिरी चरण में है, जो सातवें चरण में है, और ये सारे के सारे रूटीन के काम है, कोई भी नए काम नहीं है, और ये बहुत ही अर्जेंट नेचर के काम है। अगर जिनको अगर समय देते हुए नहीं किया तो पूरे के पूरे इलाके के लोगों को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। अब स्कूलें उसी से सारे कंप्लीट हो गए, सिर्फ हम कह रहे हैं कि हम इनको नियुक्त करने की परमिशन दी जाए। लगातार अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र में बने हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और निशाने पे उनके हमेशा ही जो है वो कांग्रेस रहती है। मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ वो मैदान में उतरते हैं, तो अभी तक उनके सामने कोई प्रत्याशी आया नहीं। भाई और बहनों, इसी तरह से 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस का सिलेंडर मिला, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज मिला, आयुष्मान भारत में मिला, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई। मैं आप सबसे खुले मंच से पूछता हूं, क्योंकि मटाने वाले बूथ पे तो मेरे हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई तो पता नहीं कोई होगा नहीं होगा, लेकिन तीन तो है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी। मैं आपसे पूछता हूं, कभी किसी ने आपसे आकर पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो? जब आपको पक्का मकान दिया होगा, रसोई गैस का सिलेंडर दिया होगा, बैंक का खाता खोला होगा, शौचालय दिया होगा, या फिर आपको मुफ्त में अनाज दिया होगा, कभी किसी ने आपका जाति धर्म पूछा क्या? हमने कभी नहीं पूछा। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और हमने इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। आशीष जी, जो पिछले 5 साल क्या 10 साल आप देखिए, हमने किसी योजना में ये नहीं देखा कि कौन अपना कौन पराया। मैं नदौन में भी कई बार सिलेंडर बांटे, चूल्हे बांटे, सब कुछ किया, ऊना में, चिंतपूर्णी में, बुरका पहने मेरी बहनें आती थी, कहीं हिजाब लिए आती थी, कहीं उसके बिना आती थी, और जब नाम भी पढ़ते बड़ी संख्या में मेरी मुस्लिम बहनें थी जिनको वर्षों से सुविधा नहीं थी, पक्के मकान की या रसोई गैस के, उनको भी मिला। किसी के साथ हमने कोई भेदभाव नहीं किया। आज भी दिल्ली में कोई हलचल कांग्रेस की ओर से टिकट की नहीं है। हालांकि सुक्खू कल फीडबैक लेकर के आए हैं लाहौल स्पीति से, और वहां के कार्यकर्ताओं में उन्होंने हौसला भरा है, इसलिए आज एक बड़ी रैली भी लाहौल स्पीति में निकली है रवि ठाकुर के खिलाफ। लेकिन अभी तक टिकटों की कोई आहट हमें दिल्ली से नजर सुनाई नहीं दे रही है। उम्मीद है कि कल 3 उपचुनाव के जमा 2 संसदीय चुनाव के टिकट आएंगे। देखना है क्या रायजादा पर एक बार फिर से दाव लगाती है कांग्रेस। दूसरी तरफ आरएस वाली का नाम लगभग तय चल रहा है, लेकिन चलिए हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, अंतिम समय कहीं पर भी कुछ हो सकता है। तो ये था आज का पूरा राजनीतिक लेखा जोखा, और आखिर में एक बार फिर से जो बच्चे पास हुए हैं उनको समाचार फर्स्ट की ओर से शुभकामनाएं, और आप रोज जुड़िए, इसी तरह देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।